लर्निंग बाई सी अलार्म लगाया सुबह चार बजे का कल चाहे जान देना पड़े लेकिन सुबह उठना है सर आप इसकी चालाकियां समझो सर आपकी किसी बात को मना नहीं करेगा पर करने भी नहीं देगा कि पांच मिनट यार पांच पांच मिनट में कुछ बिगड़ता है कि एक जनवरी से कोई सिगरेट नहीं पीना पूरी ताकत लगाएगा लास्ट तक. और जैसे ही आपने आग हाँ बंद की को समझना या देखना ये पहला बड़ा इंपॉर्टेंट फेस है कि आप देख लें आपने अलार्म लगाया सुबह चार बजे का और शाम को आप एकदम ताव में हैं कि बस कल कल चार बजे कुछ भी हो जाए खत्म सारी नाटकबाजी और रात में आप एकदम ताव में हैं कि कुछ नहीं कल चाहे जान देना पड़े लेकिन सुबह उठना है अलार्म लगाया आपने सुबह चार बजे अलार्म बजा अब आपके इस मन ने ये नहीं कहा कि नहीं उठना है ना ये तो ये कहेगा ही नहीं ये इसकी खूबसूरती है सर ये नहीं कहता ही नहीं ये आपसे पता क्या कहेगा कि पांच मिनट यार पांच पांच मिनट में कुछ बिगड़ता है आपको भी लगता है कि हाँ यार पांच मिनट में क्या चार बज रहा चार पांच पे उठ जाएंगे सर आप इसकी चालाकियां समझो सर और आपने आंख बंद कर ली और जैसे ही आपने आंख बंद की अगली बार जो आपकी नींद खुली तो साढ़े आठ सुबह बज रहे थे मजा तब आएगा सर तभी आपको जलील करेगा कि देखो तुम उठ ही नहीं पा रहे हो तुमसे कुछ और पूरा दिन आपका भारी रहेगा आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि ये जलील कर रहा है ना अंदर से आप उखड़े हुए हैं पूरे दिन पढ़ाई नहीं हो पा रही अब अगर वहीं पर ही आपसे कहते चलो यार आज कोई बात नहीं कल कर लेंगे ना ना जलील करेगा ये आपको पूरा दिन आप डिस्टर्ब रहेंगे ये बार बार कहता रहेगा चार बजे उठ ही नहीं पाए चार बजे उठ लिए होते तो पांच घंटा पढ़ लिए होते अरे तो भैया साढ़े आठ बजे से पांच घंटे पढ़ लो वो करने ही नहीं देगा वो ये इसकी चालाकियां हैं इकतीस दिसंबर को हजारों लोग कसमें खाते हैं हमने भी कभी खाई थी कि एक जनवरी से कोई सिगरेट नहीं पीना खत्म अरे भाई साहब रात में कसम कि कल से खत्म कोई सिगरेट नहीं और मां बाप का पैसा बर्बाद नहीं करना और बहुत बदतमीजी यार ये क्या है पढ़ाई नहीं हो रही सिगरेट पी रहे रहे हैं हैं ये कर वो कर कसम खाली एक जनवरी दोपहर बजे ये कहता है कि अरे सिगरेट ऐसा थोड़ी है नेहरू जी पीते थे बड़े बड़े लोगों का नाम याद कराएगा अब देख आप इसकी चाल देखिए बड़े बड़े लोगों का नाम फेंकेगा आपके सामने ओ तो फीदल कास्त्रो इतना बड़ा रूलर था वो सिगार पीता था सद्दाम हुसैन पीता था सब पागल थे आपने कहा नहीं नहीं हम नहीं पिएंगे हम कसम नहीं स्वामी विवेकानंद नहीं पीते थे। फिर ये कुछ देर शांत रहेगा शांत रहेगा सर फिर कहेगा कि अरे दिन में पांच पीने से क्या आ जाता है एक सुबह पी लो दोपहर पी लो फ्रेश होने के लिए पी लो सिगरेट पी के माइंड ही तो फ्रेश करके पढ़ना ही तो है एक कॉज एक इंटरेस्ट आपका जोड़ देगा कि सिगरेट पी और पढ़ाई आप फिर भी झांसे में नहीं आए कि बड़े सारे अच्छे अच्छे लोग थे कभी सिगरेट सदगुरु सिगरेट नहीं पीते उनसे ध्यान नहीं होता फिर ये चुप हो जाएगा फिर एक आठ घंटे बाद एक्टिव होगा कि अरे एक पीने से क्या होता है एक आदमी तो धीरे धीरे ही कोई चीज छोड़ता है ना कहीं ना कहीं ये आपको तोड़ेगा सर पूरी ताकत लगाएगा लास्ट तक और एक पिला देगा सर और जब एक पिला देगा फिर कहेगा जब एक पी ही लिए कसम टूटी गई तो अब अगले साल देखेंगे इसकी जो चालाकियां हैं सर उनको देखना बहुत बड़ी बात है मन को समझना बहुत यही इसीलिए हिंदुस्तान में एक शब्द है दर्शन फिलॉसफी के लिए जो हमने वर्ड बनाया है वह है दर्शन देखकर लर्निंग बाय सीइंग वेस्टर्न फिलॉसफी लव फॉर नॉलेज उनकी डेफिनेशन अलग है हमारी फिलॉसफी का जो वर्ड है दर्शन लर्निंग बाय सीइंग बुद्ध ने किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सीखा स्पिरिचुअलिज्म देखा क्या देखा एक ओल्ड मैन को देखा एक डेड बॉडी को देखा एक बीमार आदमी को देखा और एक सन्यासी को देखा वहां से क्यूरियोसिटी पैदा हुई हमारी तो एजुकेशन पॉलिसी ने हमारी क्यूरियोसिटी को तो ही डाला दर्शन अगर आप मन की इन छोटी छोटी चालाकियों को पकड़ने लगे सर छोटी छोटी वो पहला चरण है सर फर्स्ट फेज और एग्जाम्पल देगा कि अभी इक्कीस साल उम्र है अभी तो हम पापा भी कह रहे थे अभी कोई ज्यादा जरूरी नहीं है अभी तो ट्वेंटी वन ईयर एज है अगली बार दे लेंगे इसके टालने की आदत है सर ये जो पहला फेस है इसका वो बड़ा क्रूशियल है क्योंकि उस माइनोट चीजों को पकड़ना आप उनके प्रभाव में आ जाएंगे सर वो तीस साल पुराना मन है याद रखिएगा और आप एकदम नए हैं ये पहला फेस होता है सर हर अच्छी चीज को कल पे डाल देगा हर आप ट्राई करके देख लो योगा करना है कल से कल सुबह उठेंगे यानी नहीं ग्यारह बजे उठे तो चलो ग्यारह बजे ही करेंगे बारह बजे उठे बारह बजे करेंगे एक बजे उठे एक बजे नहीं तुरंत कह देता अब तो एक बज गया दोपहर हो गया दोपहर में ऑक्सीजन लेवल कम होता है साइंस कहती है तो चलो कोई बात नहीं अब कल से कर लेंगे ये मना तो करेगा नहीं सर इसकी सबसे प्यारी बात है ये किसी भी काम को मना नहीं कर आपकी किसी बात को मना नहीं करेगा पर करने भी नहीं देगा सबसे मजेदार बात आपकी किसी बात को मना नहीं करेगा पर सर ये करने नहीं देगा यही इसकी ब्यूटी है सर और वो जब आप पकड़ लेते हैं बस पहले चरण आपका पूरा हो जाता है जहां आपने उस बात को पकड़ा कि अरे यार ये तो दिन से मुझे सुबह उठने ही नहीं दे रहा और सर ये रिपीट करेगा दूसरे दिन शाम को भी आप कहेंगे कि कल तो उठना ही हाँ कहेगा बिल्कुल एकदम उठना है और तीन पचास पे उठना है फिर सुबह वही नाटक कर देगा ये पहला चरण है बड़ा क्रूशियल चरण है बड़ा प्यारा चरण है सर इसकी चालाकियों को पकड़ना सर